एवरीवन, आज की सवारी कहाँ चली है डाडा? कहाँ चले हम? विशाखापट्टनम? क्या होता है वो डाडा? क्या होता है वो? विशाखापट्टनम जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैनल शेखर का सफरनामा। सभी शेखर के सफरनामा में आप सभी का स्वागत है। का स्वागत है। हाँ, और आज हमारी सवारी चली है विशाखापट्टनम। सवारी चलिए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टना नहीं, विशाखापट्टनम। हाँ, और श्रेयु क्या कर रही है? स्कूल छोड़ करके जा रही है घूमने के लिए। हाँ। मिलते अच्छा, चलो मिलते हैं, बने रहे हमारे साथ। हमारे और ये हमारी कैब आ चुकी थी और हम लोग कैब में बैठ करके फिर निकल चले थे हम लोग चापा के लिए। हाँ, चापा से हमारी ट्रेन थी विशाखापट्टनम के लिए। फिर हम लोग नलवा से चापा पहुँचे। चापा में हमें 3 घंटा वेट करना पड़ा, पर हम आई थिंक 1.5 घंटा के सफ़र नलवा से चापा जाने में लगा। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पहुँचे। 2.5 घंटा के सफ़र में कभी बारिश हो रही थी, कभी बारिश बंद भी हो रही थी। मौसम अच्छा था, बहुत सुहावना मौसम था और अच्छे से हम लोग इंजॉय करते हुए पहुँच गए चापा। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में 3 घंटे के बाद हमारी ट्रेन थी, लेकिन 3 घंटे में हम लोगों ने जो एंजॉय किया ना, बहुत ही अच्छा। बैठे रहे स्टेशन पे और बहुत तेज़ बारिश होने लगी और वो बारिश देख के ना इतना मस्त मज़ा आ रहा था, लेकिन कैसे 3 घंटा कट गया पता ही नहीं चला। बारिश के चक्कर में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और खूब मस्ती की। मस्ती करते हुए फिर हम लोग ट्रेन पे बैठे। ना